हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नव नियुक्त पुलिस अधीक्षक ने समस्त पुलिस अधिकारियों थाना अधिकारियों की आवश्यक बैठक ली। नव नियुक्त पाली पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत जिला पाली में तैनात सभी अधिकारियों से परिचय एवं अपनी पुलिस प्राथमिकताओं के संबंध में पुलिस लाइन परिसर के सभागार में बैठक ले परिचय गोष्ठी का आयोजन किया गया। अपराध गोष्ठी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पाली बाली सोजत समस्त उप अधीक्षक गण एवं समस्त अधिकारी गण भाग लिया। अपराध गोष्ठी में जिले की कानून व्यवस्था एवं अपराध की समीक्षा की जाकर लंबे से चल रहे पेंडिंग प्रकरणों शीघ्र निस्तार करने, साइबर अपराध के संबंध में आम जनता को जागरूक करने, अवैध शराब का कारोबार करने वालों व रात्रि 8 बजे के बाद शराब ठेकों पर या उनके आसपास शराब की बिक्री करने वालों पर कार्रवाई करने, अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने, अवैध मादक पदार्थों का कारोबार करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। थानों में नव निर्मित स्वागत कक्षों का पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार काम लेने महत्वपूर्ण घटनाओं को तत्काल ही उच्च अधिकारियों को अवगत करवाने का निर्देश दिए। महिला अत्याचार एवं पॉक्सो एक्ट के संबंध में दर्ज प्रकरणों में समयबद्ध निस्तारण करने, वहीं इसके अतिरिक्त थाने पर आने वाले परिवादियों पीड़ितों की तुरंत सुनवाई करने व उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करने, कमजोर वर्गों महिलाओं बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों का संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई कर शीघ्र न्याय दिलवाने हेतु निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक में समस्त जिले के थाना अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए नव नियुक्त पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत इन्होंने ये कहा। त्योहारों को लेकर के देखिए, अभी कोविड के दो फेज गए हैं पिछले कुछ समय में, और मेरा ये मानना है कि अभी भी हम सावचेत रह करके ही चलना आवश्यक है। हम ये नहीं कह सकते कि हम फुली इससे भी बाहर निकल करके आ गए हैं। जिस तरह का डॉक्टर्स का और विशेषज्ञों की राय थी कि इसमें तीसरी लहर भी कभी आ सकती है अभी वापस आने वाले समय में, तो हमें सावचेत तो रहना होगा। भीड़ के रूप में कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होने होगा। साथ ही जो सरकार की गाइडलाइंस हैं, जिसमें जिस प्रोग्राम के लिए जितनी लिमिटेशंस दी हुई हैं कि इस लिमिट में ही गैदरिंग संभव है, चाहे वो शादी त्यौहार है, चाहे धार्मिक स्थल है, चाहे तीज त्यौहार, तो उसमें जो सरकार की गाइडलाइंस है उसकी पालना सुनिश्चित कराएंगे। और ये कोशिश रहेगी कि उन पालना को सुनिश्चित कराते हुए सभी धर्म के सभी संप्रदाय के लोग अपने अपने त्योहारों को सौहार्दपूर्ण तरीके से बहुत अच्छी तरह से उन त्योहारों को मना सकें। जागरूक टीवी की सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।